नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कुछ ही देर में कलेक्टर ऑफिस पहुंच चुके हैं अमित शाह, और ये देखिए सीधी तस्वीरें इस वक्त, वो अपना नामांकन, अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। तमाम जानकारियां जो दी जाती हैं वो सब इस वक्त दे रहे हैं। और बाई तरफ इस वक्त राजनाथ सिंह, उद्धव ठाकरे, इधर अरुण जेटली, विजय रूपानी। रोड शो में तो अरुण जेटली नहीं दिखाई दिए, लेकिन ये सब सीधे यहाँ दफ्तर में पहुंचे हैं। आलोक जी, मेरा ख्याल है कि इस तरह के चुनाव की प्रक्रिया के समय अरुण जेटली का रहना, चूंकि कानूनविद होने के नाते भी सहयोगी तो हैं ही वरिष्ठ मंत्री होने के नाते, लेकिन ये बड़ा ही ऐसा नाजुक मामला होता है, नामांकन पत्र में भी एक कुछ गड़बड़ हो जाए तो पूरे इलेक्शन का खेल बिगड़ सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, और आप देखें कि बिल्कुल समयबद्ध कार्यक्रम के हिसाब से, पूरी रणनीति के तहत जिस तरह से नामांकन पत्र दाखिल किया जा रहा है, मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह और अरुण जेटली और उद्धव ठाकरे को साथ बिठा करके एक मैसेज देश भर के लिए है। देखिए अंजना जी, हम इसको गांधीनगर और गुजरात का चुनाव न माने, मुझे लगता है कि ये उस ढंग से, अब मोदी जी जब वहाँ करेंगे वाराणसी में, या तो उस समय देखा जाएगा कि वो कितने लोगों को साथ ले जाते हैं, लेकिन अमित शाह पार्टियों के नाते उनको कैसे जोड़ करके, वरना नामांकन पत्र में आमतौर पर दूसरे सहयोगी दलों के नेता नहीं दिखाई देते थे, या इतने वरिष्ठ मंत्री साथ में बहुत कम होते थे। राज्य का मुख्यमंत्री तो होता है या वहाँ का नेता होता है, लेकिन ये मेरा ख्याल है, जो मेरी याददाश्त है उस हिसाब से, बहुत ऐसा पहला अवसर है जब इस तरह से सभी नेताओं को साथ लेकर के और नामांकन पत्र भरा जा रहा है। इसलिए आप अभी जो चर्चा हम लोग कर रहे थे, वही इससे पुष्टि होती है कि वो आगे की रणनीति एनडीए को सत्ता में लाना चाहते हैं, केवल भाजपा को नहीं। गोपी हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ रही है ग्राउंड जीरो से, आप तो तीनों से मैं इस पर प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन गोपी ये जो चार चेहरे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ चाणक्य अमित शाह को बोला जाता है, तो अरुण जेटली को एक तरह से जो ब्रेन है कई बड़ी पॉलिसीज के पीछे, उस रूप में देखा जाता है। राजनाथ सिंह को लेकर हमेशा ये कि क्या उन्हें साइडलाइन किया जाता है, क्या मुख्य धारा में है, क्या वो फैसलों में शामिल होते हैं, नहीं होते हैं, गृह मंत्री के रूप में उनकी उपलब्धियां, और फिर वो चौथा चेहरा जिसने उंगली इस वक्त गाल पर टिका रखी थी, उद्धव ठाकरे, जो रह रहकर सुबह सुबह ताजा तरीन गालियां कई बार डाल देते थे बीजेपी के पाले में सुबह सुबह, वो भी आज इस तस्वीर में, और इन सब के साथ ये नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए जा रहे हैं। गोपी रूपाणी साहब, गोपी जी, अंजना बताइए, ये तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं, अंदर अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं अमित शाह, और चार पांच बड़े चेहरे वहां पर सब राजनीति के दिखाई दे रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण होता है, जैसा आलोक जी कह रहे थे कि एक एक पेपर सही होने चाहिए, कई सारे कागजात देने पड़ते हैं यहाँ, और ये आडवाणी का पर्चा भी हम दिखा रहे हैं, तब प्रधानमंत्री उनके साथ थे। जी बिल्कुल अंजना, मैंने देखा है कि लाल कृष्ण आडवाणी जब यहाँ पे 2014 में अपना पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंचे थे, तब उनके साथ खुद गुजरात के मुख्यमंत्री और उस वक्त जो देश के प्रधानमंत्री है उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ हुआ करते थे। और अब जब बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह यहाँ पे पर्चा दायर कर रहे हैं, तो उनके साथ अरुण जेटली से ले जाती है शपथ के तौर पर, वो अमित शाह दरअसल बोल रहे थे, इसीलिए गोपी आपकी आवाज काट दी थी, लेकिन दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और जैसा कि लगातार हम लोग यहां कह रहे थे, मनीषा जी भी कह रही थी कि आज की जो लकीर भारतीय जनता पार्टी खींच रही है वो इतिहास को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने वाली तस्वीर है। पिछले बार के नामांकन में प्रधानमंत्री जो इस वक्त है मौजूदा, तब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उनकी बाई तरफ बैठे हुए थे, और जब पर्चा दाखिल कर रहे थे इसी तरह से लाल कृष्ण आडवाणी। गोपी जी बिल्कुल अंजना, ये तस्वीर है जो आप देख रहे हैं जहाँ पे लाल कृष्ण आडवाणी अपना पर्चा भरते हुए दिख रहे हैं, वो तस्वीर भी उसी वक्त हम लोग भी अंदर थे, लेकिन अब फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त हमें अंदर जाने दिया था, आज हमें अंदर नहीं जाने दिया है। जो बीजेपी अध्यक्ष है वो अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं, सिर्फ ANI जैसी एजेंसीज जो है उसी को अंदर जाने दिया गया है। साथ ही सबसे अहम हम कह सकते हैं कि बड़े दिग्गज नेता यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, क्योंकि गुजरात खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष दोनों का ये गढ़ रहा है, दोनों की ये कर्म भूमि रही है हम कह सकते हैं, और यहीं से अमित शाह ने अपने जो बूथ लेवल से लेकर कार्यकर्ताओं
से लेकर एक बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर अपने आप को प्रस्थापित किया है, क्योंकि गुजरात के अंदर रहते हुए उन्होंने कई सारे अच्छे बुरे दौर भी देखे हैं। वो जेल के अंदर गए थे शोराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर मामले में, 3 महीने जेल में रह के आए, लेकिन अंजना जब वो जेल से जमानत पर रिहा हुए तो उनका एक बोला हुआ शब्द मुझे आज भी याद है। उन्होंने ये कहा था, गुजराती में कहा था कि मारी ओढ जो इन्हें किनारे घर न बांधता, मतलब मैं समुंदर हूँ, मैं वापिस आऊंगा। उन्होंने कहा था कि मेरा जो समुंदर के किनारे पे घर मत बनाना, मैं भले ही जेल के अंदर गया हूँ, मैं वापिस आऊंगा। और उन्होंने वो करके दिखाया है, उन्होंने जिस तरीके से ये दिखाया है, वो बीजेपी के अध्यक्ष बने, उन्हें गुजरात से तड़ीपार किया गया था, वो दिल्ली में रहते थे, वहां से बीजेपी के अध्यक्ष तक का उनका जो सफर है, 3 महीने साबरमती सेंट्रल जेल में रहे और उसके बाद अब बीजेपी के अध्यक्ष, और आज गुजरात की जो पारंपरिक सीट है लालकृष्ण आडवाणी की सीट, वहां से आज वो अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तो एक बूथ लेवल के कार्यकर्ता से शुरू करके बीजेपी के अध्यक्ष बनने तक का उनका ये जो सफर है, कई उतार चढ़ाव उन्होंने देखे, लेकिन बेहद दिलचस्प अगर हम कह सकते हैं अंजना, तो आज भी उनका परिवार उनके साथ यहाँ पे पहुंचा हुआ है। इतने दिग्गज नेताओं के साथ साथ उनका पूरा परिवार, उनकी पत्नी, उनके उनका बेटा, उनकी जो बहू है और उनकी जो छोटी पोती है, वो भी यहाँ पे पहुंची हुई है, और ये पूरा जो नामांकन प्रक्रिया है वो फाइल करने में उनके साथ खड़ी हुई है। तो जितना भी हम कह सकते हैं कि अमित शाह के लिए जो जितना भी दौर था, क्योंकि हमने देखा है कि कैसे जो गिरफ्तारी हुई थी सीबीआई के जरिए, उसके बाद रिहाई हुई, उसके बाद वो दिल्ली गए, गुजरात से तड़ीपार कर दिए गए, पूरा मामला कोर्ट में चला, और ये सारी बाधाओं के बावजूद बावजूद वो दिल्ली में रहे और वहाँ से बीजेपी अध्यक्ष बने। ये पूरा जो सफर है वो बेहद दिलचस्प है, और इसीलिए तो जब भी प्रधानमंत्री अमित शाह दोनों बोलते हैं तो ये कहते हैं कि यहाँ पे बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी एक अच्छी पोजीशन पे बैठ सकता है। गोपी, मैं आ रही हूँ आपके पास, आलोक जी का भी एक सवाल है, लेकिन उससे पहले दिलचस्प है आपकी नजरों से देखना, क्योंकि गुजरात की राजनीति के हर बदलते रुख को आपने बहुत करीब से देखा है, और उस पर जिस तरह से आप बताती हैं किसी और के लिए कह पाना मुश्किल होता है, क्योंकि हिमांशु हमारे सहयोगी भी वहीं से मौजूद हैं, एक जल्दी से रिएक्शन उनसे ले लेते हैं। हिमांशु, दिलचस्प है जिसका जिक्र कर रही थी इस वक्त गोपी, कि कानूनी पेचीदगियों और तिरस्कार की पराकाष्ठा को झेलते हुए आगे बढ़कर अमित शाह के अंदर का संकल्प ही था कि वो कह रहे थे समुद्र के किनारे घर मत बनाना, समुद्र हूं, वापस आऊंगा और सबको बहा दूंगा। आज कुछ उसी तरह से रसूख के शीर्ष पर तो जरूर पहुंचे हुए हैं और पर्चा दाखिल कर रहे हैं इसी गांधीनगर से वो। हिमांशु, बिल्कुल अंजना, मैं आपको बता दूं कि जो बात उन्होंने कही थी उसको उन्होंने सिद्ध कर दिया। 2012 के चुनाव से पहले वो तड़ी पार होकर दिल्ली आ गए थे और दिल्ली में उन्होंने अपनी राजनीतिक बिसात बिछानी शुरू की, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने और उत्तर प्रदेश के इंचार्ज बने, और 2014 की जीत में अगर किसी प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान था ना तो उत्तर प्रदेश था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के उन्होंने एकदम से ट्रिमेंडस चेंज कर दिया था, मतलब 10 सीटों से लाकर बीजेपी को 71 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया था 80 में से, और यही चाणक्य नीति कहती थी उनकी, और इसीलिए उनको चाणक्य कहा जाता है। उसके बाद 2014 के बाद लगातार एक के बाद एक चुनाव जो जीते हैं बीजेपी ने, 20 राज्यों में सरकार बनाई थी उन्होंने, और उसके बाद वो अब गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे। गांधीनगर वो सीट है जहां से प्रधानमंत्री रहते हुए के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनाव लड़ा था और लालकृष्ण आडवाणी लगातार वहां से सांसद रहे। हम यहां पर लोगों से ही पूछ लेते ना कि क्या अमित शाह आडवाणी का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे, 4,80,000 का पिछली बार का 100% तोड़ पाएंगे, और हमने तो निश्चय किया है कि 5 लाख अप जाएंगे उनका, 5 लाख अप। और कितने पिछली बार 26 सीटें मिली थी गुजरात में से, 26 में से 26, अब की बार कितनी सीटें? 26 पूरी मिलेगी, अभी 26 100% मिलेगी, क्योंकि अमित शाह आ रहे हैं, यहाँ का जोश बढ़ गया है, जोश बढ़ गया है। लेकिन विधानसभा चुनावों में तो सीटें घट गई थी आपकी? नहीं, लेकिन इस बार क्या है, गांधीनगर है, वो सब पे इम्पेक्ट करेगा और पूरे देश पर असर करेगा इसका, और पूरे देश में हमारे बीजेपी का बहुत आगे रहेंगे। आप अब इस चुनाव के बाद अमित शाह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देखना चाहेंगे या रायसीना हिल्स पे बड़े मंत्री के तौर पे देखना चाहेंगे, जो 4 मंत्री होते हैं उनमें से? बड़े बड़े मंत्री वही हम चाहेंगे, और अध्यक्ष भी अच्छा है, उनकी चाणक्य नीति है वो बहुत पावरफुल है। लोग चाहते हैं कि अमित शाह जो है इस चुनाव के बाद जो है रायसीना हिल पे चले जाएं, और वो 4 मंत्रालय जहां पर कहते हैं कि देश चलता है, प्रधानमंत्री कार्यालय होता है, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय,
वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय। अब यह देखना होगा कि चुनाव के बाद अमित शाह की भूमिका क्या रहेगी, क्योंकि अगर पार्टी चुनाव जीतती है जितना आप बोल रहे हैं उससे ज्यादा ये तस्वीरें बोल रही हैं। फिर से बिल्कुल हिमांशु, जरा दोनों तस्वीरें दिखाइए। पिछली बार जब पर्चा दाखिल कर रहे थे लाल कृष्ण आडवाणी, उनके बगल में बैठा व्यक्ति उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, फिर उनके बगल में आनंदीबेन पटेल दिखाई दे रही थी। आज की भी तस्वीर देखिए, उधर गृह मंत्री हैं उद्धव ठाकरे हैं, इधर वित्त मंत्री हैं और मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। 5 साल होते होते तस्वीर कहां से कहां पहुंच गई। वो पुरानी तस्वीर भी दिखाइए जब वहां पर लाल कृष्ण आडवाणी पर्चा भर रहे थे, क्योंकि तब के चेहरे और उनके पद पूरी तरह से बदल गए। देश के प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी, और कहां से कहां देखिए पूरा मामला पहुंच गया है। आलोक जी, आप इस पर भी कुछ टिप्पणी करना चाह रहे थे, और साथ ही गोपी से सवाल। देखिए, मैं गोपी से जानना चाह रहा था कि क्या, चूंकि जिस तरह से आडवाणी जी अयोध्या सोमनाथ यात्रा करके आए, उस समय नरेंद्र मोदी उनके साथ सेनापति की तरह थे, मैंने उस यात्रा के दौरान, उसी तरह से अमित शाह ने उस समय कोई भूमिका निभाई, और आज क्या वो कोई मंदिर के दर्शन करके नामांकन पत्र दाखिल करने गए या नहीं, ऐसा कुछ आपको कुछ जानकारी है? क्योंकि उनके चेहरे इस समय कम से कम जो चित्र दिख रहा है उसमें तिलक वगैरह लगा हुआ ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या वो किसी मंदिर में जा करके आए हैं, या उस समय पहले भी उनकी भूमिका आडवाणी जी के उत्तराधिकारी के रूप में भी आप कहें जी, तो क्या वो कहीं सोमनाथ यात्रा के समय गए थे? फोटो नायाब है अमित शाह को, देखिए ये युवा दिनों के आप कह सकते हैं जो राजनीति में युवा दिन माने जाते हैं उस दौर का है। प्रधानमंत्री भी दिखाई दे रहे हैं आपको, लाल कृष्ण आडवाणी भी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। गोपी, गोपी जवाब दीजिए, फिर अन्य मेहमान से बात चर्चा। जी अंजना, मैं पहले तो आपको बता दूं कि देखिए यहाँ से अमित शाह निकल रहे हैं, कलेक्टर ऑफिस में अपना नामांकन दायर करके वो अब यहाँ से निकल रहे हैं। उनका परिवार भी उनके साथ निकल रहा है, पूरा परिवार के साथ वो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे नामांकन दायर करने के बाद। अब जो बड़े दिग्गज नेता है ओम जी माथुर है, वो सारे लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और सबसे अहम हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बात हो रही थी कि गुजरात के अंदर की जो राजनीति है उसकी, और खास करके अमित शाह को लेकर, ओम जी माथुर हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, नामांकन दाखिल कर दिया है, कितनी जीत को लेकर आश्वस्त है? देखिए, गुजरात में हम 26 की 26 सीट जीतने वाले हैं, और आज का जो दृश्य आपने देखा है, पूरा शहर और पूरा गुजरात उत्साह में है, निश्चित रूप से आज तक का इतिहास बनने वाला। सर, लेकिन जिस तरीके से मार्जिन की बात होती है, तो क्या लगता है मार्जिन बढ़ेगा? आडवाणी जी का जो मार्जिन था और अमित शाह का बढ़ेगा, मार्जिन सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा अब तक का। चलिए, मार्जिन सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा ओम जी माथुर का कहना है, गुजरात के प्रभारी है। लेकिन जिस तरीके से अंजना गुजरात के अंदर अमित शाह की राजनीति रही है बूथ लेवल से लेकर, मैं आपको एक वाक्य बताना चाहती हूँ अंजना, क्योंकि अमित शाह को क्यों लोग इतना ज्यादा पसंद करते हैं, हालांकि गुजरात के अंदर उनको चाहने वाला एक अलग युवा वर्ग है। और खास करके जब 2017 के चुनाव चल रहे थे अंजना, तो अहमदाबाद का सबसे फेमस रात का खाने का बाजार है माणिक चौक, अमित शाह रात को 1:30 बजे वहां पे पहुंचे थे। बकायदा वहां पे टेबल पे बैठ के अमित शाह ने भजिया और पाव भाजी खाई थी, जो कि उनकी फेवरेट। बिल्कुल, हम गोपी और भी चर्चा आपसे जारी रखेंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।